देसी दारू के काले धंधे को बंद करने के लिए सरकार ने पूरे गुजरात में, क्या सच में कोई धंधा छोटा नहीं होता है? और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है? सच में, लेकिन जब तक उससे किसी का बुरा ना हो, तब तक समझा? ये इसने लूटा हमारा माल। इसी साइज और इतनी बड़ी चालाकी, क्या माँ की बजाय बहू होगी शातिर? क्या ओनली सबक सिखाएंगे बहू को? 30 साल पहले आई फिल्म बेटा का दूसरा पार्ट आने वाला है। अब ये भी सही है, जहाँ इस रिमेक एंड सीक्वल्स की दुनिया में हर फिल्म की कुछ ना कुछ चर्चा चल रही है, और तो बेटा जैसी फिल्म का सीक्वल ना है तो ना इंसाफी होगी ना। फिर अब ये इंसाफ करने आ गए हैं मेकर्स, एंड वही पुराने आइकॉनिक कास्टर्स का जादू पहले भी चला है और अभी भी चलने वाला है, और अब तो वो सब न्यू जनरेशन की इंस्पिरेशन बने घूम रहे हैं। तो देखते हैं इस बेटा 2 में क्या कमाल दिखाते हैं एंड न्यू इंस्पिरेशन देते हैं सभी को। हेलो दोस्तों, आज मैं आपकी हूँ सप्तांशी कोठारी और स्वागत है आपका बॉलीवुड स्टूडियोज में। आज हम बात करने जा रहे हैं बेटा 2 फिल्म से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग खबरों पर। एक्साइटमेंट को ऐसे ही बरकरार रखिए, एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को। अब बेटा फिल्म से आप लोगों को क्या याद आ रहा है? यही याद आ रहा होगा कि कैसे अनिल कपूर अरुणा ईरानी के बेटे बने थे, जो काफी ज्यादा भोले भाले किस्म के थे, और वही दूसरी जगह अरुणा ईरानी उनकी सौतेली माँ का किरदार निभाती है। हाँ बेचारे अनिल तो टॉर्चर हो रहे थे, बट उन्हें क्या ही समझ आता था। वो तो तब समझने लगे जब माधुरी दीक्षित उनकी लाइफ में आई और शादी करके उनके घर में गई थी। माधुरी दीक्षित की उस घर में एंट्री होने के बाद बड़ा मजा आया था, कैसे सभी को वो एक के बाद एक सबक सिखाती थी। वाकई में कहना पड़ेगा सभी की एक्टिंग टॉप क्लास थी। पर दोस्तों पार्ट 2 में न्यू जनरेशन दिखाई देने वाली है ऑब्वियसली, क्योंकि आज हमारी जनरेशन देखेगी ये फिल्म, ना कि अपने मम्मी पापा वाली। कहना ये है कि टाइगर श्रॉफ नजर आने वाले हैं माधुरी और अनिल के बेटे बनकर, यानी कि माँ बाप वाला किरदार पूरा इन दोनों पर आ गया है। हाँ ये बात है कि दोनों अभी भी उतने ही जवान लगते हैं जितने उस टाइम पर लगते थे, पर क्या ही कर सकते हैं। तो टाइगर के साथ साथ हीरोइन भी कोई जबरदस्ती होगी, पर कुछ अभी तक डिसीजन नहीं लिया है और ना ही कोई कंफर्मेशन मिला है फिल्म पर से। जैसे कि सबको पता है अब इतने सालों बाद फिल्म बन रही है, तो कोई ना कोई ट्विस्ट तो होगा ही, थोड़ी ना कोई पुरानी वाली फिल्म के जैसे बनाएंगे, तो क्या पता प्लॉट लाइन में भी थोड़ा सा अंतर हो। प्लॉट लाइन का तो काफी अच्छा अनुमान लगाया जा रहा है, जैसे कि ये फिल्म एट दी एंड बेटा पे ही डिपेंड करती है, यानी कि टाइगर श्रॉफ पर। चाहे वो माँ टॉर्चर करे या बीवी करे, सेम ही होता है। क्या पता माधुरी की जो बहू आएगी वही टाइगर को टॉर्चर करे। बड़ी शातिर दिमाग की होगी, चाहे वो किसी चीज के लिए भी हो, पैसों के लिए हो या जो भी हो। और वैसे भी आजकल हस्बैंड एंड वाइफ के काफी वियर्ड वियर्ड झगड़े सुनने मिलते हैं, जो काफी फनी भी होते हैं। तो हो सकता है कि टाइगर की वाइफ को माधुरी और अनिल साथ मिलकर सबक सिखाए, वो भी अपने अंदाज में, और आखिर में जीत होगी तो बेटे की। तो सुनिए सुनिए, ये फिल्म फिर तो वही हबी एंड बीवी वाले कपल के लिए मजेदार होगी। अगर यही प्लॉट रहा तो आप लोग जरूर देखिएगा। अब ये सब काफी अलग है फर्स्ट बेटा फिल्म से, पर आजकल के लिए ऐसा ट्विस्ट मजेदार ही होने वाला है। तो आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताए। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर लौटेंगे अपनी अपडेट के साथ। थैंक यू।